हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अगला हमारा कार्य पत्रक है 71 क्लास 4-5 गणित कार्य पुस्तिका का। इसमें दक्षता के विकसित होने वाली धारिता की मानक इकाइयों लीटर और मिलीलीटर की समझ बना पाना। अब आप एक तो ये समझ समझोगी 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, अभी 1000 मिली मीटर, ठीक है, या मिली लीटर। तो आप इसमें क्या करोगे, भी एम एल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अभी एम एल या मिली लीटर करोगे आप। 1000 ml होते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि बराबर मापने के लिए कितने लीटर या मिली लीटर चाहिए, खाली बॉक्स में भरना है। अब 300 ml दिया हुआ है इसने, प्लस में कितने और जोड़े जाएं ये 1 लीटर हो जाए। भी 1 लीटर है, उसका मतलब है 1000, 1000 ml, उसमें से 300 घटा दो, आप माइनस कर दो, कितने बचते हैं, अभी शून्य शून्य, 10 में से 3 700, 700 ml यहाँ पर हम जोड़ेंगे, तो 300 700 कितने हो जाएंगे, भी 1 लीटर हो जाएगा, अर्थात 1000 ml हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई संख्या देखनी हो आप, इस संख्या में से ये संख्या माइनस कर दो, ये अपने आप आ जाएगी। उसी प्रकार देखो, भी 200 ml, 400 ml, प्लस में क्या जोड़ा जाए कि 1 लीटर हो जाए। 1 लीटर का मैंने बताया था कितना होता है, अभी 1000 ml होता है, इनको जोड़ लो, 400 200 कितने, अभी 600, माइनस आप 600 कर दो, शून्य शून्य, 10 में 4 गए 6 4, यहाँ पर 400 ml और हम इसमें जोड़ेंगे तो ये 1 लीटर हो जाएगा, 400 400 800 200 1000, 1000 का मतलब 1 लीटर। यहाँ पर 1 लीटर मत समझो आप, यहाँ पर 1000 ml समझो। 650 ml में क्या जोड़ा जाएगा, 1200 हो जाए, ये 650 को आगे ले जाओ यहाँ पर, तो 1200 माइनस में 650, ये माइनस कर दो, 0, इधर 5 10 में से 5 जाते नहीं, हासिल ली, यहाँ हो गए 10, यहाँ हो गया 1, यहाँ कितने हो गए, अभी 5, यहाँ 1, 11 बचे 11 में 6 गए 550, यहाँ हो गए 550 ml, इस प्रकार करना है। दूध वाला क्या कहता है, अभी यहाँ पर क्या है, अभी एक गाय है, एक दूध वाला बैठा हुआ है जो दूध निकाल रहा है, यहाँ पर एक कतार लगी हुई है, ये बच्ची 200 ml दूध लेगी उससे, ये आधा लीटर लेगी, आधा लीटर का मतलब हो गया 500 ml, कितना हो गया, अभी 500 ml, 1 लीटर लेगा ये, 1000 ml, ये 50 ml लेगा ओनली, ये 300 ml, ये 1.5 लीटर, अर्थात 1500 ml, इस प्रकार लिख सकते हो आप, 1500 ml, ये 650 ml लेगी, ये 2.5 लीटर, अर्थात 2500 ml। प्रश्न क्या कह रहा है, बाल किशन के पास एक गाय है जो रोज 15 लीटर दूध देती, कितना लीटर दूध देती है, अभी 15 लीटर दूध देती है। बाल किशन के पास 100 ml का एक बर्तन है और एक 250 ml का बर्तन है, का ही मापक बर्तन है, उसे घर के बाहर ग्राहकों की कतार लगी हुई है, बताओ यह इस लाइन में लगे हर व्यक्ति को दूध मापकर किस तरीके से देगा। अब आपको तरीका बताना है कि वो कौन सा बर्तन काम में लेगा। अब यहाँ पर ये 200 ml दूध लेने के लिए औरत आई हुई है, इसने कौन सा बर्तन लेना पड़ेगा, अभी 200 ml का, तो 100 ml का बर्तन लेगा ये, कितनी बार तो लेगा, अभी 2 बार डालेगा, 2 बार 100, तो 2 100 से गुणा करें कितना आ जाएगा, अभी 200 ml दूध आ जाएगा। अब ये आधा लीटर दूध ले रहा है, कितना दूध ले रहा है, अभी आधा लीटर, ये व्यक्ति औरत है, तो कौन सा बर्तन लेगा, अभी ये 250 का बर्तन ले लेगा, कौन सा बर्तन लेगा, अभी 250 ml का बर्तन लेगा, तो क्या करेगा, अभी 2 बार माप करेगा, तो 2 बार माप करेगा कितना हो जाएगा, अभी 250 250 कितना हो जाएगा, अभी 500 ml, 500 ml, अर्थात आधा लीटर। अब 1 लीटर का दूध चाहिए उसको, बूढ़े व्यक्ति को, ये क्या करेगा, अभी यहाँ पर 250 ml का ही बर्तन काम में ले लेगा,
एक लीटर में कितने होते हैं अभी, 1000 ml होते हैं, तो कितने बार करेगा अभी, 4 बार, 4 बार कितना कितना करेगा अभी, 250 ml, 250, 250, 500, 500, 250, 750, 750, 250, 1000 ml आ जाएगा, 4 बार 250, 250 देना पड़ेगा। अब 300 ml है तो इसमें बर्तन कितने काम लेगा अभी, 100 का लेगा, कितने का लेगा अभी, 100 ml का लेगा, 250 का लेगा तो फिर 50 ml और बच जाएगा, तो 3 बार 100 100 ग्राम डालेगा, तो 100 100 ml डालेगा तो 300 ml उसके पास चला जाएगा। उसी प्रकार 50 ml, ये थोड़ा अजीब हो गया कि 50 ml का कोई बर्तन नहीं अपने पास, बड़ा छोटे छोटा बर्तन है 100 ml का इस बच्चे के लिए, तो क्या करेगा अभी वो, ये जो कर्म है ये नीचे लिखा हुआ है सेम बस है, 50 ml के लिए ये दोनों बर्तन काम में लेने पड़ेंगे उसको, 250 ml का भी काम में लेगा वो और 100 ml का भी काम में लेना पड़ेगा। क्यों, कि 250 ml का ये बर्तन काम में ले लिया इसने माइनस में, अब 2 बार कौन से लेगा भी, 100 ml के लेगा, पहले बर्तन में 250 डाला, 250 में से 100 100 2 बार निकाल लेगा तो 100 100 कितने हो गए भी, 200, 250 में से 200 निकाल लिए तो कितना बचा भी, 50 ml अपना बच जाएगा भी, उसने 250 ml डाल दिए पहले, दो फिर उसमें से 100 100 के 2 निकाल लिए तो कितना बच गया अभी, 50 बच गया, ये इस प्रकार लिखो। अब 1.5 लीटर दूध का मतलब कितना हो गया अभी, 1.5 लीटर को आप यहाँ ml में बदल लो, 1500 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और आधे में 500 होते हैं, 1500 हो गए, इसमें 250 250 का वो काम में ले लेगा, क्या बर्तन काम में लेगा, 250 250 कितने हो जाएंगे अभी, 6 बार, कितनी बार लेगा अभी, 6 बार 250 250 लेगा तो कितना हो जाएगा अभी, 1500 ml हो जाएगा। आप 6 को 250 250 से गुणा कर दो, 650 मिलीलीटर दूध है तो क्या करेगा अभी, 250 ml का भी काम में लेगा तो लेना पड़ेगा और 100 ml का भी काम में लेना पड़ेगा। अब एक बार तो क्या लेगा अभी, 250 ml ले लेगा प्लस में, फिर कितने बार लेगा अभी, 4 बार 100 100 लेना पड़ेगा उसको, 250 प्लस में 4 गुना 100 400 कितना हो गया अभी, 650 ml हो गया। अब ये क्या कह रहा है अभी, 2.5 लीटर दूध है, 2.5 लीटर का मतलब 2500 ml, इसमें ये क्या करेगा अभी, 250 ml का ये बर्तन काम में लेगा, कितनी बार लेगा अभी, या तो आप 250 को जो 2500 ml है ना इसको भाग दे दो 250 से, इसको इससे भाग दे दो आप, अब इसको भी इससे भाग दे दो तो 0 से 0 कट गई, 25 एका 25, यहाँ 0 बच गई, 0 आगे चले गई, 10 10 बार 250 ml डालेगा तो कितना हो जाएगा अभी, 2500 ml हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, थैंक्स।